सो कैसे हो मेरे प्यारे प्यारे भाई लोग। आई होप सब लोग बहुत 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 अच्छे होंगे। सो गाइस, आज है वो दिन, स्पेशल दिन, जिस दिन का मुझे बहुत दिनों से इंतजार था। गाइस, आज है सरस्वती पूजा। बहुत सारा दिक्कत के बाद आखिर में गाइस प्रॉब्लम सॉर्ट हो गया मेरा। तो गाइस मतलब ये वाला कितना टॉल है यार, सच में। बहुत प्यारा है, बहुत प्यारा है। गाड़ी पसंद आया? हाँ, बहुत अच्छी गाड़ी है। आप चलाएंगे? क्यों, आपने घोड़ी चढ़ाया है मुझे? नहीं नहीं नहीं, प्लीज प्लीज, आप बैठे ना, आप बैठे ना भैया, मैं आपको बता रहा हूँ। यही पे रुकते हैं, आई गेस ये सबसे बेस्ट रहेगा। तो कोई लड़की देख रहा है अगर मेरे दुख पे थोड़ा बहुत मेरे ऊपर तरस आ रहा है तो प्लीज डायरेक्टली टेक्स्ट कर देना इंस्टाग्राम पे। चलो यार, फिलहाल यहाँ से शिफ्ट करते हैं और फोकस करते हैं बिरयानी पे। सो कैसे हो मेरे प्यारे प्यारे भाई लोग। आई होप सब लोग बहुत 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 अच्छे होंगे। सो गाइस, आज है वो दिन, स्पेशल दिन, जिस दिन का मुझे बहुत दिनों से इंतजार था। गाइस, आज है सरस्वती पूजा। और कोलकाता पे जो लोग रहते हैं उन लोगों को पता है कि कोलकाता में सरस्वती पूजा का क्या मतलब होता है। गाइस, सरस्वती पूजा मतलब वैलेंटाइंस डे होता है कोलकाता में। जहां भी मतलब वैलेंटाइंस डे पे भी आपको रास्ते में उतना कपल्स नजर नहीं आएगा जो जितना कपल्स आज आपको रास्ते में नजर आएगा। गाइस, तो हम लोग अभी निकलेंगे थोड़ी देर बाद में। आज सबसे पहले जाएंगे सबसे पहले, क्योंकि कोलकाता पे सबसे ज्यादा जहां पे भीड़ होता है दो जगह है गाइस, एक है प्रिंसेप घाट और दूसरा है सीसी टू, लेकिन ये दोनों अलग अलग डायरेक्शन पे। तो इसी वजह से आज हम लोग बस सीसी प्रिंसेप घाट पे जा रहे हैं, और उसके बगल में और एक जगह है जिसपे भी उतना ही भीड़ रहता है जिसका नाम है विक्टोरिया मार्ट। तो उसमें भी बहुत सारा भीड़ रहता है। उसके सामने, उसके बगल में और एक जगह है जो है मौलान मार्ट, तो वहां पे भी भीड़ रहता है लेकिन उतना नहीं, लेकिन भीड़ होता है। तो हम लोग आज वो जगह को कवर करेंगे। और कल सरस्वती पूजा का जो सेकंड डे है उसमें हम लोग जाएंगे सीसी टू और इको पार्क। तो चलो आज के लिए जर्नी जो है वो शुरू करते हैं और आपसे मिलते हैं डायरेक्ट मोटो ब्लॉगिंग सेटअप पे। और कमेंट सेक्शन में बताना है मैं कैसा लग रहा हूँ अभी। मतलब ये ड्रेस कोड है, क्योंकि मतलब सरस्वती पूजा एक ऐसा पूजा है जहाँ पे हर मतलब हर लड़का ऐसे पंजाबी पहनता है, पजामा पंजाबी पहनता है, और लड़की लोग साड़ी पहनते हैं। सो आप जब ब्लॉगिंग सेटअप में निकलूंगा तो आप लोग खुद देख लेना, ठीक है? तो चलो यार, मिलते हैं ब्लॉगिंग सेटअप पे। सो गाइस, यहाँ पे भीड़ देखो यार, ये जगह पे यार। तो फिलहाल हम लोग ये जगह से ऐसे यहाँ पे पैदल जा रहे थे, लेकिन यहाँ का भीड़ जो है हम लोग को अच्छा लगा और हम लोग यहाँ पे जा रहे हैं। मतलब इतना यंग क्राउड है तो वो देखने के लिए हम लोग यहाँ पे जा रहे हैं। और मैडम आपका नाम बता दो। औष्मिता दास। तो यार देखो, मतलब हम लोगों में से कोई भी कपल नहीं है यार। मैं तो यहाँ पे आया हूँ लड़की देखने के लिए, मेरा भाई जो है लगता तो इतना बहुत मतलब सीधा साधा, लेकिन ये भी लड़की ताड़ने यहाँ पे आए, और मैडम जो है ये भी सिंगल है तो ये लड़का ताड़ने आया है यार। तो हम लोग बस मस्ती कर रहे हैं और कुछ नहीं। तो चलो मतलब कुछ देर बाद यहाँ से भी निकल जाएंगे और कहीं और जगह पे चलेंगे यार। चलो यार, आप लोग वीडियो पे बने रहो यार, वीडियो को स्किप मत करो। सो गाइस, बेसिकली आज का स्टोरी है कि मैं अभी, अब देखो यार मैं कहाँ पे आया हूँ अभी।
मैं अभी आया हूँ MM फोटोग्राफी पे और ये मेरा शेडो है। सो बहुत सारा दिक्कत के बाद आखिर में गाइस प्रॉब्लम सॉर्ट हो गया मेरा। तो चलो यार रास्ते में जाते जाते आप लोगों से बात करते हैं कि क्या प्रॉब्लम हो रहा था मेरे को। बहुत दिनों से प्रॉब्लम हो रहा था गाइस माइक इशू की वजह से। डे वन मतलब सरस्वती पूजा का जो डे वन है उसमें जितना भी सारा फुटेज जो है मैंने खींचा था वो सारा फुटेज जो है बर्बाद हो गया क्योंकि एक भी फुटेज में ऑडियो रिकॉर्ड नहीं हुआ। ठीक है तो चलो यार फिर तो क्या कर सकते। तो इसी वजह से आज डे टू में मैंने मेट्रो गली पे जाके माइक चेंज किया और अभी मैं यूज़ कर रहा हूँ मतलब सबसे बेस्ट वाला माइक जिसका प्राइस भी सबसे ज़्यादा होता है 5,500 का मुझे पड़ा वो है रोड का माइक। और ये माइक सबसे बेस्ट है अभी आगे जाके कोई भी ऑडियो इशू नहीं होगा। ये बिल्डिंग देख रहे हो गाइस मतलब ये वाला कितना टॉल है यार सच में। वाओ यार गजब का नजारा है यार। इसको देखो यार मतलब इतना प्यारा है यार। और मतलब मैं ऐसे कर रहा हूँ ना देखो कुछ कर नहीं रहा यार बहुत शांत है ये। ये देखो कुछ कर नहीं रहा यार बहुत शांत है यार बहुत प्यारा है ये। बैरकपुर दादा बोधी का नाम सुना है आपने? वहाँ पे है मेरा घर बहुत दूर से। कहीं तो मैंने रूम घूम लिया वो। मैंने रूम नहीं मैं बस घूम रहा हूँ आज। हाँ मैं ऐसे ब्लॉगिंग करता हूँ मतलब ये कैमरा लेके ये कैमरा है ऐसे रास्ते में घूमता हूँ जो कुछ भी होता है उसको रिकॉर्ड करता हूँ और यूट्यूब में अपना चैनल है उसमें सारा वीडियो जो है वो छोड़ देता हूँ। तो इसी वजह से गाड़ी पसंद आया। आप चलाएंगे? क्यों आपने घोड़ी चढ़ाया है मुझे? नहीं 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 प्लीज़ प्लीज़ आप बैठिए ना। आप बैठिए ना भैया मैं आपको बता रहा हूँ। अरे आप बैठिए ना ठीक कोई बात नहीं आप बैठिए ना मेरे साथ आपको एक थोड़ा सा छोटा ऐसा घुमा लेता हूँ। आप बैठिए ना आपको गाड़ी बहुत मस्त लगा ना तो आप थोड़ा बैठिए यहाँ पे। हाँ बैठिए बैठिए। लक्ष्मी है इसका नाम। लक्ष्मी हाँ लक्ष्मी है इसका नाम। चलो भैया आते हैं। आपका नाम? हमारा नाम है अबूसुद्दीन। अबूसुद्दीन ओके भैया बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके ना। ठीक है आते आसलम बाबू थैंक यू। सो यार चलो यहाँ का तो मस्ती थोड़ा बहुत हो गया तो यार मतलब मूड खुश हो गया। तो चलो यार यहाँ से अभी निकलते हैं। लक्ष्मी जो उस घोड़े का नाम था यार वो भी काफ़ी अच्छा था यार बहुत अच्छा था बहुत अच्छा लगा यार इससे उससे मिलके मतलब सच में बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। तो एक अलग सा लाइफ में एक्सपीरियंस हुआ मेरा पूरा अलग एक्सपीरियंस। इससे पहले मतलब मैं अकेला तो घूमता तो हूँ लेकिन इतना दूर और इतना सारा चीज़ मैंने कभी लाइफ में किया नहीं है। और यहाँ पे इंग्लिश में लिखा हुआ है रविंद्र सदन मतलब ये जगह जो है ये रविंद्र सदन है। और इको पार्क यहाँ पे दिखा रहा है 18 किलोमीटर और बाकी है। चलो यार चलते हैं वहाँ पे। सो गाइस देखो यार सामने का नज़ारा देखो लोकेशंस देखो यार मतलब क्या गजब का लोकेशन है ना। और इको पार्क यहाँ से राइट साइड में होगा तो यार मतलब क्या बताऊँ अलग सा नज़ारा है यार तो मज़ा आ जाता है यहाँ पे आके। चलो यार इको पार्क बस और 3 किलोमीटर आ गए हैं
चलो यार चलते हैं। पता नहीं यार पूरा खाली है यार, ये मेरे समझ में नहीं आ रहा है। इतना खाली मतलब आज तक कभी दिखा नहीं यार, पूरा खाली मतलब कोई भी नहीं है यार इको पार्क पे। ओ भाई नजारा तो देखो यारो, यार मुझे यहाँ पे अकेला रहना पड़ेगा यार कम से कम तो आधा घंटे के आसपास, क्योंकि मुझे अपने दोस्त को पता है यार वो लोग कैसे है यार, बोलेंगे कि एक घंटा लग जाएगा दो घंटा, तो यार कहीं पे रुकते हैं यार, तो कहाँ पे रुके थोड़ा और आगे जाते हैं, शायद पिछले बार कहाँ पे रुका था यार ठीक से याद भी नहीं है। चलो यार यहीं पे रुकते हैं आई गेस, ये सबसे बेस्ट रहेगा। वो सामने का व्यूज देखो गाइस, गजब व्यूज है यार, पूरा खाली यार। तो अभी शैडो और मैं यहाँ पे इको पार्क पे अकेला यार, कोई आया नहीं है, सबका अपना अपना प्लान हो गया यार। तो आज के दिन तो एक चीज़ पता चल गया यार, मतलब ऐसे सब बोलते हैं सिंगल है लेकिन सिंगल होता कोई नहीं। आप मेरा दुख समझ सकते हो, अगर ये वीडियो कोई लड़की देख रहा है, अगर मेरे दुख पे थोड़ा बहुत मेरे ऊपर तरस आ रहा है तो प्लीज़ डायरेक्टली टेक्स्ट कर देना इंस्टाग्राम पे। तो लेकिन एक चीज़ है यार, आगे अगर कोई बंदा अगर मुझे बोलेगा ना कि मतलब स्पेशली लड़की कि मैं सिंगल हूँ, माँ कसम यार डायरेक्टली ब्लॉक कर दूँगा, अगर फेसबुक भी होगा ना डायरेक्टली ब्लॉक कर दूँगा। आज तो समझ में आ गया, वो चाहे लड़का हो या चाहे लड़की हो, सिंगल कोई नहीं होता, सब लोग दिखाते ठीक है। अभी क्या करूँ यार, मतलब इतना दुख आ रहा है ना मुझे, मतलब गम में इतना ज़्यादा, मतलब अभी इतना ज़्यादा मुझे गम लग रहा है ना, गम की वजह से भूख लगा है, अभी मुझे बिरयानी खाना है। तो आज अकेला भी हूँ तो इसके बाद जाएंगे यार बिरयानी खाने। तो चलो यार, आप लोग बहुत ज़्यादा आई होप बोर हो चुके होंगे मेरे बात से, तो चलो यार जो ब्लॉग है वही से कंटिन्यू करते। चलो यार यहाँ पे ना दरअसल भी मन नहीं करता कि थोड़ा फास्ट बाइक चलाऊँ यहाँ पे, मतलब ऐसे ही मज़ा आता है, एम्बियंस इतना अच्छा होता है ना यहाँ पे यार। बस यहाँ पे बहुत फ़ोटो खींचने का मन कर रहा है, यहाँ पे ऐसे कोई दोस्त भी नहीं है जिसको मैं कहूँ कि भाई एक काम कर मेरा फ़ोटो खींच दे यार, सच में यार। चलो यार फिलहाल यहाँ से शिफ्ट करते हैं और फोकस करते हैं बिरयानी पे। सो गाइस, मैं फाइनली अपने घर पहुंच चुका हूं, और मतलब अभी नहीं, बहुत टाइम पहले ही मैं अपने घर पे पहुंच चुका था। घर पे पहुंचने के बाद थोड़ा थका हुआ था क्योंकि दो दिन पूरा जर्नी किया मैंने, पूरा दिन घूमा, तो इसी वजह से थोड़ा बहुत घर पे रेस्ट कर लिया मैंने। उसके बाद एडिटिंग का कुछ काम था, मतलब ये वाला ब्लॉग तो वो एडिट का काम भी लगभग हो गया है, तो कुछ थोड़ा सा बाकी एडिट करके आज अपलोड करना है ये ब्लॉग। और मतलब बिरयानी लाजवाब था, बहुत टेस्टी था, और अभी आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करो कि आपको ये ब्लॉग कैसा लगा। जो लोग ये सोचते हैं कि यार मैं अकेला मतलब बहुत मतलब कहाँ पे जाऊँ, बहुत ज़्यादा बोरिंग लगता है अकेले जाने में, खुद के साथ टाइम स्पेंड करने में, तो उन लोग को ये ब्लॉग दिखा देना जो लोग ऐसे सोचते हैं कि मतलब मेरा ये मानना है कि कभी कभार खुद के साथ भी थोड़ा बहुत टाइम जो है स्पेंड करना चाहिए, वो करना चाहिए जो आपके दिल को अच्छा लगे यार। तो आज मैंने वही किया और सच में यार बहुत ज़्यादा मस्ती किया, काफ़ी ज़्यादा मज़ा भी आया। तो चलो यार ब्लॉग को और ना बढ़ाते हुए इस ब्लॉग को यही पेंट करते हैं, और अगर आपको सच में ये वाला ब्लॉग अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और कमेंट पे प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। और चलो यार मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक आपके लिए हम कोशिश करेंगे कि आपके लिए एक अच्छा सा कंटेंट
ज़रूर हम मैं कोशिश करूँगा कि ला पाऊँ। चलो यार, बाय बाय, सी यू।